हैदराबाद और मेनपुरी रेप मर्डर केस पर देशवासियों का आक्रोश अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि यूपी के आगरा में बीए की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई है। आरोपियों ने पीड़िता को उसके भाई की दुर्घटना की झूठी खबर देकर अगवा किया और एतमादपुर के एक खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होते ही भारी संख्या में पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। होश में आने पर पीड़िता ने पुलिस को आरोपियों के नाम बताए। वहीं पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये आगरा की रहने वाली हैं, थाना सिकंदरा की। आज प्रातःकाल में जब ये कोचिंग के लिए जा रही थी तो इनके भाई के परिचित, इनका दोस्त, उसके भाई का दोस्त जो है, उनके द्वारा ये बताया गया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो इनको जो है लेकर के अपनी एक फोर व्हीलर गाड़ी में, जो कि संभवतः बलेरो जैसी गाड़ी थी, उसमें इनको लेकर के ये आए हैं। उसके बाद में इसमें गाड़ी में कुल चार लड़के बताए गए हैं, जिनमें से ये तीन लड़कों को पहचानती हैं, इनके नाम के द्वारा बताए गए हैं, चौथे अभी को ये पहचानते नहीं हैं। इनके द्वारा एक स्थान पर रेप करने के बाद में थाना पचोगरा क्षेत्र में ड्रॉप किया गया है। हमारे द्वारा FIR लॉन्च की गई है। FIR लॉन्च करने के बाद में मेडिकल कराया जा रहा है और घटनास्थल एस्टेब्लिश किया जा रहा है, तथा टीम हमारी मुलजमान की तत्काल गिरफ्तारी के लिए।